press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Shemmaru. मैंने तुम लोगों को हिसाब कर दिया है ये रही दो दो महीने की तनख्वाह मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को जल्द ही दूसरी नौकरी मिल जाएगी मेम साहब तुम्हें और रुपया चाहिए ये आप क्या कर रही हैं मेम साहब इस जमाने में इतने ईमानदार नौकर आपको फिर नहीं मिलेंगे मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए लेकिन मेम साहब हरि तुम बहुत ज्यादा बोलने लगे हो हाँ मेम साहब आज तो मैं बोलूंगा ही हरि साहब इतने से थे जब मैं यहाँ आया था और आज आप कहती हैं कि दो महीने की तनख्वाह लो और जाओ मेम साहब आपने कभी सपना देखा है सपने को अपनी बाहों में जवान होते देखा है आप तो मालकिन है जिसे चाहे निकाल दें लेकिन मैं कैसे जाऊं अब आपको कैसे समझाऊं आप तो कभी किसी के लिए घोड़ा नहीं बनी मैं साहब के बचपन का बुड्ढा घोड़ा हूं मेम साहब हरि नहीं 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 मेम साहब आप मुझे नहीं निकाल सकती आप तो क्या साहब भी नहीं निकाल सकते मैं तो इस घर से तभी जाऊंगा जब इस दुनिया से जाऊंगा ये मेरा घर है घर क्या ये घर है हरी, शायद तुमने कभी कोई होटल नहीं देखे अगर देखते तो तुम्हें मालूम हो जाता ये घर एक बहुत बढ़िया होटल है यहां हर चीज है किसी चीज की कमी नहीं फिर भी एक कमी है लगाव नहीं तो क्या इसीलिए आपने हाँ हरी, मैं इस होटल नुमा जिंदगी से तंग आ चुकी हूं अब मुझे एक घर चाहिए संसार चाहिए अगर यही बात है तो मैं भी चला जाता हूँ नहीं नहीं हरि तुम सिर्फ एक नौकर होते तो शायद दूसरों के साथ चले जाते मुझसे भूल हो गई मुझे माफ कर दो जी जी ये क्या कह रही हैं आप तो मालकिन हैं हरि दादा हम लोग जा रहे हैं आकर देख लो वो लोग जा रहे हैं मैं उन्हें देख लूं बहू आप क्या कर रही हो हरी आया बहू बहू तुम इसकी बहू कब से बन गए मैंने तुम्हें वो सामान की लिस्ट दी थी ना कहाँ है चलो जल्दी से दुकान में दे आओ और कह देना कि साथ साथ पिछले महीने का बिल भी दे दे अच्छा अब पूछो क्या पूछना चाहते थे कहाँ गए सब लोग क्यों इनकी कमी महसूस हो रही है ये मेरे सवाल का जवाब नहीं रहा सवाल और जवाब मैं नहीं जानती लेकिन फिर भी एक सवाल करती हूँ पूछो जब वो सब होते हैं और मैं नहीं होती क्या तुम मेरी कमी महसूस करते हो शायद नहीं क्योंकि मैं इस घर की शोभा ही बनकर रह गई हूँ जरूरत नहीं अमर मैंने तुमसे पूछे बगैर हरि के सिवा सब नौकरों का हिसाब कर दिया है क्या लेकिन नौकरों के बगैर इतना बड़ा संसार कैसे चलेगा कितना बड़ा संसार है एक तुम और एक मैं ये एक और एक तो एक ही होना चाहिए था लेकिन दो सही तुमने तो एक और एक को इस ढंग से रखा है कि 11 दिखाई देने लगे खैर इतने अच्छे और एफिशिएंट नौकर कहीं नहीं मिलेंगे इसीलिए तो मैंने उन्हें निकाल दिया है अच्छा बाबा जैसा चाहो ऐसा करो तुम्हारा संसार है मेरा संसार यही बात समझने के लिए मुझे 6 साल लग गए लेकिन अमर इसे तुम संसार कहते हो क्यों ये संसार नहीं है जिस संसार में मैं पली
पड़ी हुई। अगर वो संसार संसार था तो अमर ये संसार संसार नहीं। लेकिन इस घर में तुम्हें किस चीज का अभाव है? सिर्फ एक अभाव है, लगाव नहीं। उस संसार में कितने अभाव थे लेकिन लगाव था। जब मैं 12 साल की थी तो मेरी माँ चल बसी। तुम तो सोच सकते हो अमर मुझ पर क्या बीती होगी। लेकिन जब मैंने पिताजी का हाल देखा तो माँ को खोने का दुख भूल गई और उस छोटी उम्र में मुझे माँ की जगह लेनी पड़ी। मैंने माँ से बढ़कर पिताजी की सेवा करने की कोशिश की। बट हाउ मिजरेबली आई फील्ड अमर। मैं माँ जैसे दाल न झोंक सकी, माँ जैसे बिस्तर न लगा सकी, माँ जैसे पान न बना सकी, माँ जैसे कुछ न कर सकी। जो काम माँ इतनी आसानी से पिताजी के लिए करती थी वो मैंने कितने जतन से किया। लेकिन फिर भी पिताजी कहते थे तेरी माँ जैसा काम करती थी वैसे कोई काम नहीं होता। अच्छा अमर, कल अगर मैं इस संसार में ना रहूं तो क्या तुम्हें भी वैसा ही महसूस होगा जैसा पिताजी को मेरी माँ के लिए होता था? अमर उम्मीदा डिनेरी बिस्लेरी मिनरल सोडा फिल्टर फॉर बिस्लेरी मिनरल सोडा। अरे ये क्या कर रही हो? छोड़ो, दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये तुम्हारी हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। छोड़ो। पसंद तो मुझे भी नहीं। तो फिर उठो, उठो। उठना तो पड़ेगा क्योंकि साहब प्रोग्राम कुछ और ही है। प्रोग्राम? बैठना तो तुम्हारे सर पर है। अगर एकदम से सवार हो गई तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, इसलिए सोचा बिगिनिंग जरा मॉडेस्ट हो। स्टेप बाय स्टेप क्यों ना चला जाए। बोलो क्या ख्याल है तुम्हारा? लिम्का प्यासा युग आ गया, लिम्का छा गया, नींबू जलसा मजेदार पे, लिम्का लिम्का। अरे तुम यहां बैठे हो, मैं तो तुम्हें। साहब की चाय में दूध कितना डालूं? बस चीनी जरा ज्यादा डालना। वो तो मुझे मालूम है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। द टी इज रेडी। ये दाग मिटाने से मिट जाएगा?
हरी हरी आया बहु अब जरा एक गिलास पानी तो ले आना एक गिलास पानी ले आना बहू तुम जरा किचन संभालो तुम कहाँ चले साहब के ऑफिस जाने का टाइम हो गया ना सुनो दोबारा चाय का पानी लगा दो जल्दी से जिसका काम उसी को साजे और करे तो बुद्धू बाजे क्या मतलब मतलब नहीं एडिटर साहब मत बल अरे लो पियो तो मंगाया क्यों कपड़े बदलने के लिए कपड़े बदलने के लिए हाँ। अरे वाह 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 सौ सौ चूहे खाए के बिल्ली हज को चली हरी अरे तुम्हारे गाल गरम है एडिटर साहब ये मेरे गाल हैं नाश्ता नहीं हाँ वो ठीक है लेकिन फिर भी जरा गरम है गरम वो क्या बचपना है चलो नाश्ता ठंडा हो जाएगा आपने तो बुलाया था मेरे बुलाने से पहले है या बाद में बीच में देखो ड्राइवर आ गया होगा उसे चाबी दे दो अच्छा और सुनो हरी उस स्टोर से चीजें नहीं आई अभी तक लेते आना अच्छा मैं अभी पता करता हूँ Lunch at 1:15 sharp. कहना है ना कि तुम लंच पर नहीं आ रहे मैं कुछ नहीं सुनूंगी हेलो इज इट 362595 दैट्स राइट कुड आई स्पीक टू मिसेस सेन प्लीज स्पीकिंग मीता मैं शशि बोल रहा हूं मेरा नंबर तुम्हें कहां से मिला क्यों टेलीफोन डायरेक्टर से क्या चाहिए तुम्हें तुमसे मिलना चाहता हूं मैं तुमसे नहीं मिल सकती क्यों घबरा रही हो तुमने मुझे चौंका दिया लेकिन मीता मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है अगर इतना ही जरूरी है तो शाम को आओ जब वो घर में होंगे मीता मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूं लेकिन मैं तुमसे अकेले में नहीं मिलना चाहती मैं 4 बजे आ रहा हूं हेलो हेलो
यू नो मीटा, आज रात के डिनर के लिए आई गॉट अ स्प्लेंडेड आइडिया। अच्छा? हाँ, देखो हम जब विदेश जाते हैं ना, रोम, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली वगैरह वगैरह, तो वहां के लोग हमारा स्वागत उन्हीं के तौर तरीकों से, उन्हीं के रस्म रिवाज से करते हैं, ठीक है? लेकिन वो लोग जब यहाँ आते हैं तो हम भी उनका स्वागत उन्हीं के तौर तरीकों से, उन्हीं के रस्म रिवाज से करते हैं। बात तो ठीक है। क्या ठीक है? ठीक नहीं? नहीं, यही तो कह रहा हूँ। ओह, तब तो कुछ करना चाहिए। एग्जैक्टली। देखो मैंने सोचा है आज रात का डिनर शुद्ध भारतीय संस्कृति के अनुसार जमीन पर बैठ कर खाया जाए। हाउ इज द आइडिया? गुड, लेकिन सर राशि गड़बड़ है। क्या? समझो, अगर साहब टाइट पैंट पहनकर आए तो और मजा आएगा। जब खाने के लिए उनको डन बैठक करनी पड़ेगी तब उन्हें पता चलेगा कि भारतीय संस्कृति कितनी सरल है। बहुत अच्छे। एक काम करोगे? हाँ, कहो। जल्दी से हाथ मुंह धो लो। हाँ, आलू पराठे ठंडे हो जाएंगे। अभी हाथ धो के आता हूँ, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। तुम शुरू करो, मैं देखती हूँ। ये आलू के परोठे का आइडिया किसका था? बहू का। बनाया भी उसी ने? जी। रॉन्ग नंबर। वो किचन देखता। किसका फोन था? पता नहीं, सम स्टूपिड मैन। एम्बेसडर होटल चाहिए था। वाह, तुम देखो मैं जाता हूँ। सैनिया, सॉरी रॉन्ग नंबर। इन पागलों को क्या मालूम मैं अपनी बीवी के हाथों के बनाए हुए आलू के परोठे खा रहा हूं। खाओ ना, तुम भी खाओ। तुम खाओ। मैं तो खा ही रहा हूं। हाँ, आज बहुत सालों बाद आलू के परोठे खाने को मिले। ये तुम्हारी है ना, उसकी बीवी भी है। मुझे सब मालूम है, खाते वक्त बात नहीं किया करते। इसमें हंसने की क्या बात है? तुम्हारी बात सुनकर पिताजी याद आ गए। खाते वक्त कोई बात करता ना तो उनको भी बहुत गुस्सा आता। क्या कर रही हो? जब ठीक है, परोठे तुमने बनाए हैं अच्छे हैं, लेकिन पेट तो मेरा है। अगर मैं दो पराठे खाऊं तो तुम्हें कम से कम छह खाने चाहिए। आजकल सिर्फ दो या तीन बस होते हैं। मैं पराठों की बात कर रही थी। मैं भी इसी की बात कर रहा था। These days, grow more food, but eat as less as you can. मीता, you are spoiling me. अगर ये तुम्हारी मेहरबानी कुछ दिन और रही तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। क्या मतलब? मतलब इतना अच्छा खाना खा के कोई काम कर सकता है? जी चाहता है यहीं सो जाऊं। लो। ये क्या? तुम्हें सोना है ना, आराम से सो जाओ। तुम किसी दिन मेरी नौकरी छुड़ाओगी श्रीमती जी। आप ही ने तो कहा था श्रीमान जी। अच्छा साहब, माफ कर दो बस। अच्छा एक बात बताओ, आज शाम के लिए किसी रसोई का बंदोबस्त करूं? किस लिए? एक ही आदमी को तो बुलाया है, हरी और मैंने पट लेंगे।
अरे मैं तो बताना ही भूल गया, आज खाने पे मैंने चार और आदमियों को बुलाया। तो क्या हुआ? अच्छे काम करते हैं, आज मैं ऑफिस ही नहीं जाता। हा? और कहलवा देता हूँ कि आज की मेरी छुट्टी मीता के किचन में लग गई। अगर तुम्हें सोना है तो सो जाओ, बहाने क्यों बना रहे हो? किचन में तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, बल्कि रुकावट डालोगे। लेकिन मीता। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब आप मेहरबानी करके जल्दी से ऑफिस तशरीफ ले जाइए, ताकि आई मुसीबत को मैं खुद निपटा सकूं। अच्छा साहब, जैसा आपका हुक्म, चलते हैं। देखो मैं मेहमानों के साथ ठीक 8:30 बजे पहुंच जाऊंगा। बाय बाय। Yes? अंदर आने के लिए भी नहीं कहोगे? किस लिए आए हो? मीता, हमारे यहाँ तो घर आए हुए दुश्मन के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता। तुम आए क्यों हो? कल जो बीत चुका है उसे आज याद करके परेशान होना ठीक नहीं। मैं परेशान नहीं हूँ, जो कल बीत गया उसे भूल भी चुकी हूँ। मीता, इस तरफ इस नहीं आते, मैं तुम्हारे इज्जत करना चाहता हूं। आओ हम एक बार फिर अजनबी की तरह मिले, परिचित हो तो सुलझे हुए इंसानों की तरह। चलो अंदर चले। ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। एक्सेलेंट। एक ग्लास पानी तो दो। सुखी देखकर बड़ा संतोष हो रहा है। तुमने मुझे कब सुखी देखा? क्यों, जब से तुम्हें परेशान देख रहा हूं। यानी? सीधी सी बात है मीता, तुम्हारा वर्तमान जीवन अगर सुखी नहीं होता तो मुझे देखकर तुम यूं परेशान नहीं हो जाती। फजूल बातें करके वक्त जाया मत करो, जो कहने आए हो वो कहो। रियली, हम लोग इतने दिनों बाद मिले हैं लेकिन एक दूसरे का हाल चाल पूछने के बजाय कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। सुनो, तुम बैठोगे नहीं? प्लीज शशि, मेरे कोई गेस्ट आने वाले हैं। अगर ये बात है तो मैं चलता हूं। लेकिन तुमने ये तो नहीं बताया कि तुम आए क्यों। मीता, कहते हुए एक अजीब सा संकोच हो रहा है। यहाँ आते वक्त संकोच नहीं हुआ तो अब किस बात का संकोच? ये भी तुम ठीक ही कह रही हो। अब देखो ना, बंबई में आए हुए 2 दिन हो गए मुझे। एक इंटरव्यू के सिलसिले में आया था, कल वो इंटरव्यू भी हो गया। तुम्हारे पति मिस्टर सेन, उनसे कोई सिफारिश चाहते हो? नहीं,
सिफारिश तो तुमसे चाहता हूँ। तुम्हारे कहने से ये जगह मुझे मिल सकती है मीता। सब कुछ मिस्टर सेन के हाथों में। मैं उनके दफ्तर के मामलों में दखल नहीं देती। यानी? सीधी सी बात है, मैं तुम्हारे लिए उनसे कुछ नहीं कहूंगी। इसी बात का डर था मुझे। इज्जत भी गई और काम भी नहीं बना। हम जैसे लोगों की जिंदगी में यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अच्छा अब चलो, तुम्हें बेवजह तकलीफ दी। आज फिर प्लेट 10 मिनट। सॉरी, एक्चुअली ऑफिस से तो मैं जल्दी निकला था, रास्ते में शशि को छोड़ता हुआ आ रहा हूँ। 5-10 मिनट उसी के वहां रुक गया। जैसे ही उसके रूम में दाखिल हुआ मुझे अपनी बैचलर लाइफ याद आ गई। सॉरी एक मिनट। अरे हाँ मीता, तुमने परसों के अखबार में वो शशि का मिडलर पढ़ा था ना? आज दिन भर ऑफिस में उसकी तारीफों के फोन आते रहे। आई टोल्ड यू ही इज गॉट अ ब्राइट फ्यूचर। अच्छा यू नो, कल के लिए मैंने उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल दिया है और मुझे यकीन है ही इज गोइंग टू मेक अ ग्रेट जॉब आउट ऑफ इट। क्यों ना हो, आखिर डिस्कवरी किसकी। It really is sad. Achha? Lekin aap aise... Oh. Haan. Phir bhi Mrs. Mathur, sabr ki ek haad toh hoti hai. Dil ho rahi hai. Nahi, nahi, aisi koi baat nahi. You're most welcome. Yes, yes. Sadhu. Bye-bye. Kitni der lagayi? कौन भाई? मिसेस माथुर। कौन मिसेस माथुर? तुम्हारी न्यूज़ एडिटर की बीवी। अच्छा अच्छा, वही पुराना झगड़ा। मेरी समझ में नहीं आता तुम उसे निकाल क्यों नहीं देते। जिंदगी तबाह कर दी है उसने। तो ये उन दोनों का आपसी मामला है, हमें क्या लेना देना। और फिर मैं होता भी कौन हूँ उसे निकालने वाला। ऐसे आदमी को कुछ तो सजा मिलनी चाहिए। मीता, ये जरूरी नहीं कि सारी गलतियाँ मिस्टर माथुर की हो, और अगर हो भी तो आस पास बात करने से मामला सुलझने वाला तो नहीं है। मुझे कुछ समझ करके कहते होगी ना। अच्छा ठीक है, चलो वहाँ शशि इंतजार करा होगा। पिछली दफा भी हमें मेरी समझ में नहीं आता उसे इंतजार करने की क्या जरूरत है। खुद अंदर जाके क्यों नहीं बैठता। अरे बाबा, हम दोनों की टिकट उसके पास है। लेकिन हमारी टिकट उसके पास रखने की क्या जरूरत है। लड़ना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, पिक्चर देखना चाहती हूँ। हमारी शादी को छह साल हुए हैं। हम 6 साल से पति पत्नी हैं। मैं पूछता हूँ ये सब बातें मुझसे कब तक छुपाई जाती रहेंगी। आज तक तुमने बात मुझे क्यों नहीं बताई। क्या आज तक तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि तुम बहुत अच्छा गाती। ये बात मुझे तुमसे नहीं शशि, ये लो चला दिया। पगला करेगा। All right. Now you tell me, what is all this nonsense? क्या? What do you mean by क्या? लेकिन लेकिन क्या? हमारी शादी को कितने साल हो गए? 6 साल. हमारे शादी को 6 साल हो गए हैं. 6 साल से हम पति पत्नी हैं. लेकिन बाहर के आदमी के सामने पत्नी से कैसे पेश आना? अच्छा 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 अच्छा. शशि बाहर का आदमी, हाँ? शशि बाहर का आदमी. मैं खाना खाता हूँ, गाना सुनाओ. जो हाथ मुंह धोकर आओ, मैं चाय। पहले गाना सुनाओ फिर चाय। मुंह धोकर आओ। अच्छा मुंह धोकर आओ। लो
बस चाय हो गई, अब गाना हो जाए। गाना भी होगा। तो तुम शुरू हो जाओ ना, देर किस बात की है? जनाब चाय पियेंगे और मैं गाना सुनूंगी। हाँ। तो मेरी चाय का क्या होगा? अरे हाँ, तुम भी तो चाय पी लेगा। अच्छा जल्दी पियो, चलो। क्या हुआ? हम दोनों चाय पियेंगे और कोई तीसरा गाना जाएगा। ये गाना अपने पास भी है? Of course it's beautiful. सचिन अकाउंट मुझे प्रेजेंट करने वाला था। यही सुन के तो पता चला कि आप भी बहुत अच्छा गा लेते हैं। शशि गुनगुना रहा था, उसके साथ एक ही गड़बड़ थी, उसकी आवाज बहुत ही बेसुरी है, बिल्कुल मेरी तरह। हरी ट्यून गया साहब, देखता हूँ। अच्छा मैं एक बात बता, शशि ने तुम्हें जब कहा कि मैं अच्छा गा लेती हूँ तो तुम्हें कैसे लगा? अरे कुछ मत पूछो कैसा लगा, उसकी जगह कोई और होता ना तो पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन फौरन ख्याल आया ये तो अपना शशि है, इसलिए फिर सोचना ही बंद कर दिया। और कुछ नहीं सोचा? और क्या सोचते? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम जो सोचने के लिए कह रही हो ना, वो शशि के बारे में मैं सोच ही नहीं सकता, क्योंकि शशि इज आफ्टर ऑल आर शशि। शशि का मतलब चांद होता है, चांद में कलंक भी होता है। मीता, शशि शशि का आधा नाम है, जो सिर्फ शशि को जानते हैं उनको उसमें कलंक नजर आते हैं, लेकिन मैं शशि भूषण को जानता हूँ, और उसका मतलब जानती हो क्या? शिव। जानती हूँ। क्या? यही कि शशि भूषण अब अमर भूषण हो गया है। ए सिरत पर, ये अमर भूषण कौन है? हाँ कौन है? Nothing much. लेकिन मिस्टर सैन, आप भीगे कैसे? बारिश तो रात को हुई थी, कहीं बाहर गए थे क्या? नहीं डॉक्टर, दरअसल वो अरे अरे डॉक्टर साहब के लिए चाय ना। तो क्या कमरे में बैठे बैठे ही भीग गए? Well, डॉक्टर ऐसा ही समझ लीजिए, दरअसल बात यह है कि कल बारिश में हम दोनों, तुम्हें बता दो ना, हटो इसमें, हटो क्या? Well, डॉक्टर बात यह है कि कल रात बारिश में यहाँ पर एक फिल्मी सीन हो रहा है। समझ गए मेरी बात? अच्छा डॉक्टर साहब जी, भीगने की वजह जाने बिना भी तो इलाज हो सकता है ना? लेकिन मिसेस सैन, वजह जानने के बाद इलाज करने में आसानी हो जाती है ना, क्यों मिस्टर सैन? चलो अच्छा ही हुआ, आज तक जब भी यहाँ आया लंच या डिनर के बहाने, फॉर अ चेंज अच्छा ही है। जल्दी जल्दी अच्छा कर दीजिए डॉक्टर, डिनर के लिए फिर बुला लेंगे। फ्लू लगता है, दवा लेते रहिए, 7-8 दिन में ठीक हो जाएंगे। 7-8 दिन बहुत ज्यादा है डॉक्टर। तो भी ठीक है, दवा मत लीजिए, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। देखो मीता कौन है? हरी है बाबा। अरे और कोई नहीं, डॉक्टर साहब हैं। साहब शशि बाबू आए हैं। आओ शशि आओ। डॉक्टर कोहली, दिस इज मिस्टर शशि भूषण शर्मा। हेलो। मेरे साथ काम करते हैं और आपके फ्यूचर पेशेंट। बट व्हाई फ्यूचर पेशेंट? आप तो मुझे इस वक्त भी, लेकिन हूँ नहीं डॉक्टर। बट मिस्टर शर्मा, आपकी आंखों को देखकर लगता है कि आप रात बहुत देर तक पढ़ते हैं, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। थैंक्स फॉर द सजेशन डॉक्टर, लेकिन हम लोगों का काम ही ऐसा है, बताइए रात रात भर न जागे तो काम किस तरह पूरा हो? कड़वी है यार, पी लो ना। लो पानी पी लो।
बहुत काम पड़ा हुआ। अरे बैठो ना, प्लीज जाने दो। अच्छा फिर वो गाना सुना दो। कौन सा? वो क्या है वो, फिर कहीं कोई फूल खिला। बाय, अभी सुनाती हूँ। मैं कॉफी नहीं पीऊंगा, ऑफिस नहीं जा रहा हूं मैं। जरा शशि को फोन करके यहां बुला लो। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? फोन तुम्हें दे दिया है, जिसे चाहो बुला लो। मीता, मैंने तुम्हें फोन लाने के लिए नहीं कहा था, शशि को फोन करने के लिए कहा था। तुम्हें लगता है मैंने सुना नहीं? तो जो सुना वो करती क्यों नहीं? देखो अमर, शशि तुम्हारा असिस्टेंट है और मैं, खैर अगर तुम अपनी पोजीशन की वजह से उसे खुद फोन नहीं कर सकते तो मैं भी नहीं कर सकती। मैं हरि को भेज रही हूँ, उससे करवा लेना। मीता, आई वॉन्ट यू टू रिंग हिम अप। शशि है? मैं एडिटर अमर सिंह के घर से बोल रही हूँ, आप इसी वक्त यहाँ आ जाइए। तबीयत फिर से खराब हो गई सर? हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें इसलिए बुलाया था मैंने, वो देयर आर सर्टेन थिंग्स इन लाइफ। बैठो ना, बैठो। दर्द है, बहुत दर्द है। फ्लू के बाद ऐसा होता ही है सर? हाँ वो तो पता नहीं, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो मैं कह रहा था, हाँ मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था, वो व्हाट्स द टाइम? 7:09 हुए हैं सर। 7:09। हेलो, रॉन्ग नंबर। आजकल रॉन्ग नंबर्स बहुत आने लगते हैं। हाँ शशि, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था, वो जो वो, अरे जरा सुना तो इधर। मेरा हाथ खाली नहीं। तो हाथ खाली करके इधर। क्या हुआ? कहा ना मेरा हाथ खाली नहीं। तो हेल में जो हाथ खाली नहीं है। बीता सुना नहीं तुमने? Can't you hear me, damn it? Meeta, can't you hear? ठीक है, तुम जा सकती हो।
मैं चलूं सर? आप कहें तो ऑफिस पहुंचकर आपको फोन कर लूंगा। 9:30 बज चुके। हाँ ठीक है। गुड डे सर। मैंने पूछा दरवाजा किसने बंद किया? किसने बंद किया दरवाजा? मीता तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने पूछा दरवाजा किसने बंद किया? बेल बेल जवाब क्यों नहीं देती? आज तुम्हें हुआ क्या है? यही तो मैं जानना चाहती हूं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। जवाब? किस सवाल का जवाब चाहते हो? सुना नहीं तुमने? क्या तुम यही जानना चाहते हो कि दरवाजा किसने बंद किया? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? यही सवाल है ना तुम्हारा, दरवाजा किसने बंद किया? क्यों, जवाब नहीं चाहिए तुम्हें? कितनी अजीब बात है, सवाल किए बिना ही तुम जवाब पा लेना चाहते हो। तुम भी उन सब पुरुषों की तरह हो अमर, जो अपने हर सवाल का जवाब पा लेना तो चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते। कितने बड़े एडिटर हो तुम, सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन सिखाते हो, टीचर्स को बताते हो कि वो कैसे पढ़ाएं, स्टूडेंट्स को समझाते हो कि वो कैसे पढ़ें, पॉलिटिक्स में हिस्सा ले या ना ले, सबको बताते हो, सबको समझाते हो कि वो क्या करें और क्या ना करें, संसार की हर समस्या के लिए तुम्हारे पास एक एडिटोरियल है, लेकिन तुम्हारी अपनी समस्या के लिए तुम्हारे पास कोई एडिटोरियल है? मेरी समस्या के लिए, हम दोनों की समस्या के लिए? पुरुष अपने रास्तों का चुनाव खुद करता है, लेकिन स्त्री, वो बचपन से उन्हीं रास्तों पर चलती है जिनका चुनाव कोई और करता है। मैं भी ऐसी ही हजारों लाखों स्त्रियों में से एक हूं अमर, जिनके चलने के लिए पहले से ही लीक बनी रहती है, एक परंपरा जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी और मजबूत किया जाता है। मां की गोद छोड़ने के बाद मैंने चलना ही चाहा था कि एक उंगली ने आके मुझे थाम लिया और कहा इधर चलो उधर नहीं। खाने बैठी तो बताया गया ये खाओ वो नहीं, पढ़ना शुरू किया तो समझाया गया ये पढ़ो वो नहीं। 12 साल की उम्र में ही मां को खो दिया। उसके बाद 13, 14, 15 और फिर 16, ये साल कैसे गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। फिर अचानक एक दिन मैंने अपना एक नया रूप देखा। मैंने महसूस किया कि मैं जवान हो गई हूं, लेकिन उस वक्त मुझे किसी ने आके ये नहीं बताया कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मेरे अंदर एक अजीब तरह की प्यास ने जन्म लिया और मैं सोचने लगी उन्हीं दिनों शशि से मेरा परिचय हुआ।
मुलाकातें होने लगी, कभी एक पल के लिए तो कभी दो पल के लिए, और मैंने महसूस किया कि मेरी प्यास प्यार में बदल रही है। फिर हमारे सभ्य समाज ने मुझे समझाया प्यार पर पर्दा होना चाहिए, वो भी मैंने मान लिया। कभी दो चार महीनों में मुलाकात हो जाती थी तो चंद घड़ी बातें कर लेते थे। अगर उन चंद घड़ियों का हिसाब लगाऊं तो कुल मिलाकर 6 घंटे भी नहीं होंगे, लेकिन उन 6 घंटों में शशि ने मुझे जो कुछ दिया, उसने मुझे छुआ तक नहीं। फिर भी उन 6 घंटों में मुझे जो कुछ मिला, तुम विवाहित जीवन के 6 सालों में भी मुझे दे नहीं सके। मैं जिस तरह उससे मिलने के लिए, उससे बातें करने के लिए तड़पती थी, वो तड़प, वो बेचैनी, वो इंतजार मैंने तुम्हारे बारे में कभी महसूस नहीं किया। लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने मुझे सब कुछ दिया, मेरी प्यास को प्यार में न बदल सके। अमर, मैं ठीक हूं, मैं भी निकल रहा हूं ऑफिस के लिए। हरी, आप साहब को मजा चखा के आ भागा क्या? हाँ हाँ आ गए, दिन भर हमें सताया ना, अब देखो तुम दरवाजा खोलकर बाहर जाके बैठ जाओ, सर पर हाथ रखकर, जैसे कोई दुर्घटना हो गई हो। क्या समझे? कुछ बोलना नहीं, कुछ कहना नहीं, अगर वो कुछ पूछे भी तो नीचे जमीन पर देखते रहना, समझे? हेनरी सेंडूस टाइम, रात के ठीक 10:02। इनका ब्लॉक वाली हेनरी सेंडूस खड़ी सही टाइम देती है। क्या मजाक लगा रखा है? कब जाएगा बचपना तुम्हारा? खाना खाने के बाद, सच बड़ी भूख लगी। ओफो, कभी तो सीरियस हो जाओ। खाना खाने के बाद? तो फिर जाओ खा लो। तो चलो, तुम जाओ, तुम्हें भूख लगी है। तुम्हें नहीं लगी? नहीं। ओ गॉड, आजकल तो साथ में भूख भी नहीं लगती। प्लीज चलो ना। मुझे खाना नहीं है। ठीक है बाबा, कर लो परेशान जितना चाहो। क्या 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 कहा तुमने? मैं तुम्हें परेशान करता हूँ? याद है आज सुबह क्या क्या कह गई थी तुम? बस तुम्हें सिर्फ आज सुबह की बात याद है? ओ मीता, why don't you understand? तुम लोगों को तो सिर्फ शिकायत करनी आती है। जानती हो, जब से लोग अमर सेन को जानने लगे हैं, जिम्मेदारियां कितनी बढ़ गई हैं? उस अमर सेन की इमेज को बनाए रखने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए मुझे क्या क्या कुछ करना पड़ा और क्या क्या कुछ छोड़ना पड़ा। आजकल की दुनिया में एक क्रिएटिव आदमी के लिए करियर क्या चीज होती है तुम जानती हो? ये तो क्रिएटिव आदमी ही जाने। हाँ सही कहा तुमने, क्रिएटिव आदमी ही जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता, तुम भी नहीं, एक पत्नी भी नहीं। आजकल की दुनिया में एक क्रिएटिव आदमी के लिए उसका कैरियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे पहली चीज होती है,
उसका मुकाबला तुम लोगों की तरह दूसरों के साथ नहीं अपने आप से होता है। आज का काम पिछले कल से बेहतर और आने वाले कल का काम आज से बेहतर, इस तरह दिन ब दिन बेहतर से बेहतर काम होना चाहिए, तभी वो आदमी वहां पहुंच सकता है जहां उसे पहुंचना चाहिए, जहां वो पहुंचना चाहता है। कहां? तुम्हारे सर पे। अच्छा बाबा अच्छा, जहां पहुंचना है बाद में पहुंच जाना, अब सिर्फ डाइनिंग टेबल तक पहुंच जाओ। जल्दी से कपड़े पहन लो, हाथ मुंह धोकर आ जाओ। हरी जल्दी से खाना लगा दो। लगा ही रहा हूँ बहू। ये सब तुम मेरे पे छोड़ो हरी, और जल्दी से खाना लगा दो। जाओ 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 जाओ। लेकिन मीता, पहले बैठो, खाना खाओ, फिर बात करो। बैठो बैठो। जब भी मैं कोई बात करता हूँ तो खामो खामा। पहले खाना खाओ, बात करने के लिए पूरी रात पड़ी है। रोटी कहाँ है? हरी साहब के लिए रोटी लाना। इतने साल हो गए, पता नहीं पहले रोटी होती थी, बाद में लगा। संभल कर, रोटी गरम है। ठहरो, रोटी मैं देती हूँ। अरे फिर सोचने लगे? अरे बाबा ढंग से तो खाना खाओ। जब भी मैं कोई बात करता हूँ पहले ओफो, लो पानी पियो, लो और थोड़ा सा पियो, बस लो ना। अरे बहुत हो गया। क्या कर रही हो? अरे अरे अरे, बस बहुत हो गया, खा चुका। ये क्या, तुमने पेट भर के खाना भी नहीं खाया? तुम्हें कैसे मालूम मैंने पेट भर के खाया थी? अच्छा बाबा अच्छा, ना मैं हाथ धो दूँ। मैं तो पचन वो तो उनका अपना मोबाइल वो बनता है तो देना। इतना गुस्सा? हाँ हाँ, देखो अपनी शक्ल आईने में, पिछले पूरे हफ्ते बीमार रहे हो। अगर मैं डॉक्टर होती तो कभी जाने नहीं देती दफ्तर आज। तुम्हें आराम की जरूरत है, अब चुपचाप सो जाओ, कल सुबह बातें करेंगे। हाँ कल नहीं, आज अभी। मैं बीमारी से उठा हूँ या जो कुछ भी हो, तुमसे बेहतर सो सकता हूँ, तुमसे बेहतर समझ सकता हूँ, और यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। आया समझ में? अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी देर से यही समझा रहे थे क्या? इट्स सो सिंपल। मेरी समझ में नहीं आता, तुम मेरी बात सुनना ही क्यों नहीं चाहती? अमर, अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैंने तुम्हारी बात समझ ली है तो? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने अभी कहा भी नहीं और तुमने समझ भी लिया, इतनी समझदार कैसे हो गई? सौबत का सर। मीता। यस सर। जब तक मैं अपनी बात खत्म ना करूं, तुम यहां मुंह बंद करके कान और दिमाग खोल के चुपचाप बैठो। लेकिन तुम अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? मैं तो सब कुछ समझ गई हूँ। क्या समझ गई हूँ? सब कुछ। क्या सब कुछ? वही जो तुम समझा रहे हो। क्या, मैं क्या समझा रहा हूं? अमर, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत बोल रहे हैं? बोलना पड़ रहा है तुम्हारी बकवास की वजह से। ओके, नो मोर बकवास, प्रॉमिस। अब सो जाओ, चलो, बड़ी नींद आ रही है। ये बत्ती क्यों बंद कर दी? ऑन करो। अरे बाबा, सोने ना सोने से बत्ती का क्या मतलब? अंधेरे में भी तो बात हो सकती है। नहीं 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 हो सकती, अंधेरे में बात नहीं हो सकती। अच्छा बताओ, क्या समझ गई हो तुम? मैंने कहा ना, सब कुछ। ये तो कोई जवाब ना हुआ। क्या, ये कोई जवाब नहीं? अरे अमर, मैंने जिंदगी में इससे बेहतर बात कही नहीं, और तुम कह रहे हो कि मैं? मीता। ओके अमर, मैं समझ गई हूं कि तुम समझ गए हो। क्या कहा? मैंने कहा कि मैं समझ गई हूं कि तुम समझ गए। आया समझ में?
शैतान कहेंगे पहले क्यों नहीं बता? फिर बहस। अब बताओ लड़का या लड़की? दोनों।